कितना घूमना पड़ा। मैं पहले राइड आपने प्रीत विहार का डाल रखा था, उन्होंने डाल दिया। हाँ कितनी हो? 150 दे दीजिए। हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी बोलो। अच्छा 150। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त विश्वनाथ। अभी हो रहे मॉर्निंग के 6:07 और मेरे पास एक बुकिंग आई हुई है ओला पे। जैसे मैं पार्किंग में था, आप देख ही रहे हो ये सेक्टर 50 वाला है, पार्किंग पे मेरे बुकिंग आ गई। एक्चुअली मैं जा रहा था पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक जा रहा हूँ जरा, तो मुझे लगा कि चलो यार एक ऑन करके देखता हूँ राइड आती है या नहीं। तो यार सुबह सुबह राइड भी आ गई, और एक खुशी की बात यह है कि ये जो राइड है और मैं जिस रूट पे जा रहा हूँ वही की है। मतलब छोड़ना है मुझे कस्टमर को, लाइट जलाऊँ इसका ज़रा। हाँ, तो मुझे जो कस्टमर को ड्रॉप करना है वो लक्ष्मी नगर ड्रॉप करना है। तो कस्टमर के किसी रिलेशन वाले ने फ़ोन किया मेरे को और बताया कि सर कोई लेडीज़ है जिसको छोड़ना है और लक्ष्मी नगर छोड़ना है सुबह के टाइम है। कह रहे सर चले जा, कोई चेकिंग नहीं होता है। मैंने कहा बात चेकिंग की नहीं है, बात है रूल की, क्योंकि यार रूल वगैरह ज़रूरी है ना, हेलमेट इज मैंडेटरी। बट क्या है, करें मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, करना पड़ेगा। तो क्लाउड 9 पे वेट कर रही है, लेट्स सी। ये है वेडिंग विला और इसके आगे है क्लाउड 9। GPS के अकॉर्डिंगली पहुँचने ही नहीं चाहिए, पूछ लिया कस्टमर से तो बेटर होता है। क्लाउड 9 पे तो आ गए यार। आप है मैम? आप है? नंबर आपका क्या है? मेरा 877। हाँ 0841 है। जाइए ना। अच्छा भैया को दिखा रहे? हाँ हाँ सर मैं आ गया हूँ। सौरभ नाम है ना? सौरभ नहीं। एक मिनट सर, यही है ना। एक्चुअली क्या है, मैं मेरे को भी उधर ही जाना था। हाँ मैं पुरानी दिल्ली जा रहा था चांदनी चौक, तब तक घर के बाहर से बुकिंग आ गई, तो मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं आपको भी। तो दोस्तों मॉर्निंग में कोहरा भी थोड़ा थोड़ा भी है, सुबह 6:30 हो रहा है और कोहरा है। ये जो राइड है वो 14 किलोमीटर का है, देखते हैं कितने रुपए मिलता है। तो चलो फटाफट मैम को ड्रॉप करते हैं, मतलब फटाफट का मैं इनसे आराम से टाइम दिखा रहा है 22 मिनट। येलो लाइट देखो और जाओ, क्रॉसिंग नोएडा बॉर्डर। यार उस तरफ से जाओ, मयूर विहार तरफ से जाओ ना, तो वहाँ से रोड ब्लॉक है, वो किसान आंदोलन चल रहा है ना, इस वजह से आपका इधर वाला रूट दिखा रहा है। अच्छा ये यार चश्मा वालों के लिए बहुत दिक्कत है, ये चश्मे में ना फॉग जम जाता है, चश्मे में धुआं जम जाता है। ओला वाला मेट्रो स्टेशन है लक्ष्मी नगर, फोन कर लूं? पेमेंट ऑनलाइन है मैम या? स्पीकर ऑन कर दो। हेलो मैम, आप मुझे फिर वो इनको एग्जैक्ट लोकेशन भेजो, मैं ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा। फाटक चोट गली। अच्छा एक्चुअली क्या है, आपका लोकेशन जो एग्जैक्ट ख़त्म हुआ है वो प्रीत विहार मेट्रो के नीचे ख़त्म हुआ है। हाँ हाँ हाँ, इनके पे लोकेशन आप दो, मैं उसके अकॉर्डिंगली आ जाता हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों इनका जो बिल आया 127 रुपए का आया है, 127 रुपए का बिल आया है, और एग्जैक्ट लोकेशन इनको छोड़ना होगा क्योंकि लड़के हैं, तो मैं ऑफ ड्यूटी हो जाता हूँ, पास कर दो इसको। लो जी दूसरी बुकिंग आ गई, तो इसलिए पास कर दो भाई। ये क्या हो रहा है, दो दो बुकिंग आ रही है एक साथ, एक के बाद एक दो बुकिंग आ गई। भेज दिया मैडम, आया लोकेशन। हेलो, ठीक है ठीक है। अरे पूछाने में कितनी देर में आएंगे वो, ये रहते क्या आसपास? हमें फालतू अंदर का लोकेशन भेज दिया, बताओ। हाँ नहीं, बोलने से तो आते ही गलत, एग्जैक्ट जो होना चाहिए ना, आप जैसे चौधरी डेयरी बोल देते वो डाल देते तो उसमें आ जाते हम। रोड के साइड है इधर, किधर किधर भैया? हाँ गली आएगी। अच्छा 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 चलो चलो, क्या कौन सा आनंद बेकरी बोल रही है मैम? कहाँ पे है? हम भी गलत बता दिया। बैठो बैठो बैठो। मैन रोड पे तो नहीं है वो? बोलो फोन पे, बोलो बोल समोसे वाले के पास से तो हम गुजरे। भैया चौधरी डेयरी कौन सी है? चौधरी डेयरी का है। तुम किधर है? पूछो, कॉल मत काट, उनको बोलो अभी वहीं रहे, कहीं जाए नहीं। अरे भैया चौधरी डेयरी कहाँ है? चौधरी डेयरी, चौधरी डेयरी कौन कहाँ है? चौधरी डेयरी कहीं है, कौन सी बताओ? अबे ये और हेलो, चौधरी डेयरी बताओ जी ने, वो बताएं। अरे चौधरी डेयरी मैम कह रहे कहीं है यहाँ पे। अरे आनंद डेयरी पूछ लो, चौधरी डेयरी तो आनंद डेयरी सामने ही है। आनंद? हाँ आनंद डेयरी, आनंदा डेयरी। अब भैया आनंदा डेयरी कहाँ है आसपास? ब्लॉक पूछ लो कहाँ है। ब्लॉक कौन सा है? अरे यार भैया कहाँ से आ रहे हो आप? 350 मीटर पे रास्ता ब्लॉक था, आपने जो फाटक से घुसा हूँ अंदर सीधे। हाँ अंदर घुसने सीधे ही था सामने, फिर टक्कर बता। हाँ तो सीधे हाँ तो सीधे टक्कर पे ही तो छोड़ा है इनको, वहाँ से फिर आप कहाँ पे डेयरी क्या कैसे ढूंढू? अरे भैया फाटक के पास सीधे, फाटक से सीधे हनुमान मंदिर भाई के सुंदर ब्लॉक से लेकर जाओ आप, राधा कृष्ण मंदिर है ना उसके सीधे सामने ही चोर डेयरी पड़ती है। हाँ तो मैं वो जो ब्लॉक है ना रास्ता आप वहीं पे आ जाओ, नहीं तो फिर कैसे करूँगा बताओ। मैंने तो मैम सही में उन्होंने गलत डाला ना, उन्होंने तो मेट्रो पे खत्म कर दिया, मेरी गलती थोड़ी है उसमें, आप बताओ मेरी गलती है? उन्होंने वहीं पे खत्म कर दिया जो मेट्रो पहले आया था प्रीत विहार, उन्होंने गलत डाल के भेजा है। 150 रुपये मिलेगा, उससे ज़्यादा पेट्रोल पी जाएगी मेरी बाइक। मंदिर कहाँ है राधा कृष्ण वाले? राधा कृष्ण मंदिर तो नहीं है, राधा को कृष्ण मंदिर बताया। अब शिव डेयरी गणेश नगर। हाँ ये मंदिर है, लो तो जी मंदिर पे भी ले आया आपको। हेलो, हाँ फिर पहुंच गए राधा कृष्ण मंदिर? हाँ मंदिर पे आ गए मैम। आनंद डेयरी, ये इसके एक मंदिर के जस्ट अगला गली पे मोहन जी है। हाँ
मंदिर के सामने मैम ये सोसाइटी ऐसी ना, 500 गली है। अरे नहीं, वो जो गली है ना जो मंदिर की सीधी गली जा रही है ना, हाँ, ये आनंदा डेरी किधर है भैया? अच्छा, अरे किधर से आना है भैया? आनंदा डेरी किधर है? अच्छा, उल्टा हाथ पे मुड़ना, टी पॉइंट से राइट, ये है क्या? ये अंदर अंदर देखो। वो तो ठीक है, अब यहाँ पे पूछो कि वो जो आपका लोकेशन था कहाँ पे दिखा रहा था, वो पूछो इनसे। वो रोड वहाँ पे ब्लॉक था, पता है आपको कितना घूमना पड़ा? मैं पहले राइड आपने प्रीत विहार का डाल रखा था, उन्होंने डाल दिया। हाँ, कितने हुए? 150 दे दीजिए। हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी बोलो। अच्छा, 150 रुपये, 150 रुपये है ना, मैं 100 रुपये दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू। अरे यार, घुमा दिया। जितने भी नोएडा में भी गांव है ऐसे, ये कुछ कुछ जो घुमा देती है गोल गोल, दिल्ली में भी ये तो सकरपुर है, यहाँ पे भी बहुत बुरा हाल है। जितना टाइम पहुँचाने में नहीं लगा उतना तो मुझे घूमने में लगा बैड। कोई नहीं, ये बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया भाई। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं यहीं पे, बहुत ज़्यादा झोल झपाटा हो गया। अब जो सोचना है आप लोग सोचो, जो बताना है बताओ। एज ऑलवेज, गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।